सो स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इजी चैप्टर है और आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पर आज की क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस को करना कैसे है और एग्ज़ाम टाइम में जो हम लोग मिस्टेक करके आ जाते हैं, ठीक है। पहले तो थोड़ा सा हम लोग ये स्टडी कर लेंगे उसी क्वेश्चन में कि जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि क्वेश्चन को अगर हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जितने भी उसके आउटकम्स हैं अगर वो निकालना आ गया, तो फिर जो क्वेश्चन में बोलेगा जो भी अपने फेवरेबल आउटकम्स निकालना होगा वो हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस देखो कैसे करना है और फिर वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई करना और चेक करते रहना कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है, ए डाई इज थ्रोन वंस। तो यहाँ पर जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स अपने पास बन सकता है वो क्या क्या हो सकता है? एक डाई को थ्रो किया, ठीक है। सो यहां पर जो अपने पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5 या 6, ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो ये टोटल अपने पास रहेगा 6, ठीक है। हम लोग नंबर का बात करते हैं यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये 6 में से कोई भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इस क्वेश्चन में जो आ रहा है वो 6, ठीक है। जब मेरे पास एक हुआ तो यहाँ पर 6, अभी 2 अगर डाई रहेगा तो फिर मेरे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स रहेगा वो 36 हो जाता है, ठीक है। 6 × 6, 3 होने से फिर यहाँ पर 6 × 6 × 6, 216, ठीक है। ऐसा हम लोग मल्टीप्लाई करते रहते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब इसमें से इवेंट नंबर मुझे बता दो कौन सा रहेगा, ठीक है, वही अपने को फाइंड करना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। सो इवेंट नंबर यहाँ पर एक 2 हो सकता है, एक 4 और एक 6। सो टोटल जो अपने पास फेवरेबल आउटकम्स आ रहा है इसमें, टोटल फेवरेबल आउटकम्स वो 3 है, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, ये हो गया। बस प्रोबेबिलिटी निकाल देना है। सो दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ठीक है, दिस ई मीन्स यहाँ पर इवन नंबर, आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर टोटल फेवरेबल आउटकम्स। सिर्फ इस फर्स्ट क्वेश्चन में मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, अदरवाइज जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, बस इसमें हम लोग अपना जो वैल्यूज आएंगे वो पुट करते रहेंगे, ठीक है। फेवरेबल कितना है यहाँ पर अपने पास 3, एंड जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 6, इस 3 वन टाइम्स इधर 2, सो आंसर जो यहाँ पर आ रहा है वो 1/2, ठीक है, क्लियर है। बस यही करना है अपने को पूरा, यहाँ पर ई मीन्स हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए जो है इवन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी अपने पास नंबर रहेगा उसको आप लिख देना, या फिर ई का प्लेस पर आप ये भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी कर देना, देखो प्रोबेबिलिटी पी लिखना है और यहाँ पर वो लिख देना जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यहाँ पर आपको है एन इवन नंबर, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर आप ये फॉर्मूला लिखना और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, ठीक, फर्स्ट हो गया। सेकंड अपने पास यहाँ पर पूछ लिया उसने, ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं लिखूँगा मैं, सेकंड में ए नंबर ग्रेटर देन 2, सो डिनोमिनेटर में तो यही आएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6, ए नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन 2 इट मीन्स 3, 4, 5, 6, इसमें से कुछ भी आ जाए, टोटल अपने पास ये 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये आया, इसको फिर से कट किया, सो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 2/3। सेकेंड क्वेश्चन, 2 कॉइन्स आर टोस्ट वंस, ठीक है, 2 कॉइन है भी अपने पास, 2 कॉइन्स, सो यहाँ पर अपने पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालना है, ठीक है। अच्छा, अगर एक कॉइन हुआ अपने पास तो इसके लिए जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आता है वो 2, ठीक है, एक हेड और एक टेल। 2 कॉइन्स होने से इसको 2 × 2 करना, ठीक है, अभी यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ जो जो आएगा। क्वेश्चन में अगर 3 कॉइन्स का भी आया सो उस केस में आप इसको 2 × 2 × 2 करना, ये 8, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। 1 कॉइन में तो ठीक है 2 आ गया, 2 में
फोर बोलते हैं और फिर थ्री में वो लोग सिक्स बोल देते हैं, ऐड करते रहते हैं, ठीक। ऐड नहीं करना अपने को, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। फोर आने से यहाँ पर टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो टोटल 16 आता है, ठीक है। ये हमारा कॉइन्स उसका बात हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है टू कॉइन्स, सो टू कॉइन्स का मतलब यहाँ पर जो टोटल अपने पास पॉसिबल आउटकम्स वो फोर। कौन सा हो सकता है? फर्स्ट कॉइन में और सेकेंड कॉइन दोनों में हेड हेड आ गया, या फिर हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। ये टोटल फोर जो अपने पास पॉसिबल आउटकम्स वो लिख दिया मैंने। अभी क्वेश्चन में फाइंड करने को बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। सो इधर से आप चेक कर लो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास जो आ रहा है वो फोर, ठीक है। फर्स्ट में क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स। फॉर्मूला अपने पास क्या रहेगा? टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। इधर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, सो टू कॉइंस के लिए जो पॉसिबल आउटकम्स वो फोर, और टू हेड्स आने चाहिए। तो टू हेड के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ एक, ये वन, सो आंसर आया अपने पास 1/4। अब सेकेंड जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया, देखो यहाँ पर एटलीस्ट वन टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, ठीक है। इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन रहता है, एटलीस्ट जैसे ही वर्ड आया कन्फ्यूजन एक आ जाता है, एटलीस्ट और एटमोस्ट में, एटलीस्ट वन टेल। सो यहाँ पर तो फोर रहने वाला है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। एटलीस्ट मीन्स कम से कम, ठीक है, कम से कम एक टेल या उससे ज़्यादा, कम से कम एक टेल, वन इधर भी है, ठीक है, इधर भी है या उससे ज़्यादा, सो ये भी है। सो इस केस में जो मेरे पास टोटल आ रहा है फेवरेबल में जो आ रहा है वो थ्री, ठीक है। एटलीस्ट मीन्स कम से कम इतना तो होना चाहिए, नहीं तो उससे ज़्यादा, और अगर एटमोस्ट आ गया तो इट मीन्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और बोर्ड में आया हुआ है 2013 में। ए बॉक्स कंटेन्स सम ब्लैक बॉल्स, ठीक है, कितना ब्लैक बॉल्स है मालूम नहीं है। सो लेट ब्लैक बॉल्स इक्वल टू इक्वल टू एक्स एंड 30 व्हाइट बॉल्स। सो यहाँ पर अपने पास व्हाइट बॉल्स हो गया 30। सो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, और यही अपना रहेगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स में, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जितने भी नंबर ऑफ बॉल्स क्वेश्चन में देगा आप सबको ऐड करके रख लेना, इधर एक्स प्लस 30। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इज 2/5 ऑफ दैट ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल जो है उसको फाइंड कर लेता हूँ और व्हाइट बॉल जो है उसको फाइंड कर लेता हूँ और फिर क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ब्लैक बॉल, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अगर ब्लैक बॉल की बात कर रहे हैं सो इधर ब्लैक, और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, सो इट इज एक्स प्लस 30, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्लैक बॉल के लिए, और व्हाइट बॉल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल टोटल फेवरेबल आउटकम्स, सो व्हाइट के लिए अपने पास यहाँ पर है 30, और डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, सो ये फिर से वही रहेगा एक्स प्लस 30, ठीक, क्लियर है तब। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ब्लैक बॉल इज 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल जो है वो 2/5 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। सो ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्स बाई एक्स प्लस 30 इक्वल टू 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल 30/x+30, ठीक, ये लिख दिया। और यहाँ सिर्फ जो फाइंड करना है अपने को नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यही फाइंड करना होगा, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बॉक्स, ठीक। सो डिनोमिनेटर में x+30 आ रहा है, इसको कैंसिल कर दिया, इधर ये x इक्वल टू 2/5 इंटू 30 इस 5 वन टाइम्स और इधर ये 6, सो जो x अपने पास आ गया इसको मल्टीप्लाई किया 12, यही हमारा हो गया नंबर ऑफ
ब्लैक बॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स का यहाँ पर क्वेश्चन है, तो अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, आप क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, जिसको नहीं है तो मैं थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड्स का जो आइडिया है वो यहाँ पर देता हूँ आपको, ठीक है। टोटल अपने पास जो प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं वो 52, और इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, 26 जो अपने पास हैं वो ब्लैक में रहने वाले हैं, और ये 26 जो हैं वो रेड, ठीक है। अभी जो ब्लैक में आ गया 26, इसको फिर से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 13, ये जो 13 अपने पास ब्लैक में आया, इसमें से इधर रेड स्पेड और यहाँ पर अपने पास ये क्लब, ये जो 26 रेड में आया, ये 13 में डिवाइड हुआ, सो 13 अपने हार्ट, और बाकी जो 13 आएंगे वो आ जाते हैं अपने डायमंड में, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने आइडिया ले लिया कि जो 52 रहेंगे उसमें से 26 ब्लैक 26 रेड, और उसके अंदर फिर से अगर बोलेगा कि स्पेड में कितना है तो वो 13, क्लब में कितना वो 13, हार्ट में कितना 13, एंड डायमंड में वो भी 13। अब ये जो कार्ड्स रहते हैं, ये अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊँ, सो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3 ऐसे करके ये पूरा 10 तक जाने वाला है, ठीक। और फिर यहाँ से अपने पास कुछ जो फेस कार्ड, एक जैक आता है, एक क्वीन आ गया इधर, और एक किंग, ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे फेस कार्ड, और ये सब में रहेंगे, ठीक है, ये सभी में रहता है। ये 13 जो है उसमें भी 3 फेस कार्ड, इधर भी 3 फेस कार्ड, इधर भी 3 और इधर भी 3, सो टोटल अपने पास 12 जो है वो फेस कार्ड, ठीक है। यहाँ लास्ट में एक एस भी रहता है, बट ये जो मेरा है वो फेस कार्ड में नहीं आता है, ठीक है, याद रखना, यहाँ पर मिस्टेक ये भी हो जाती है, ये अपना फेस कार्ड में नहीं आएगा। अगर कभी किसी क्वेश्चन में बोल देता है कि इसको भी लेना फेस कार्ड, तो लेना, अदरवाइज़ ये फेस कार्ड में नहीं आएगा। सो सिर्फ अगर मैं इसका बात करूँ, सो इसमें मेरे पास जो फेस कार्ड है वो 3, ठीक है, इधर बात करूँ तो इधर भी 3, यहाँ पर भी 3, इधर भी 3, सो टोटल अपने पास फेस कार्ड अगर बात करूँ तो ये 12 हो गया, जिसमें से ब्लैक में कितना है 3 और इधर 3, सो 6 अपने पास ब्लैक फेस कार्ड और 6 अपने पास रेड में, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोगों ने बात कर लिया जो भी अपने को यहाँ पर कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं उससे। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना सब। क्वेश्चन में ये है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ऑल कार्ड्स बेरिंग द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 आर रिमूव्ड, ठीक है। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले क्या किया कि जो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से कुछ कार्ड्स को निकाल दिया है, कौन सा, जो 3 के मल्टीपल्स, इट मीन्स 3, 6 और 9, ये 3 कार्ड को निकाल दिया, इधर से 3 को निकाला बिकॉज यहाँ पर भी तो आता होगा 3, 6, 9, इसमें भी तो आता होगा 3, 6, 9, इधर भी 3, 6, 9, इधर भी 3, 6, 9, तो टोटल जो हम लोग कार्ड निकालने वाले हैं वो 12, ठीक है, इसको निकाल करके साइड में रख दिया। अब मेरे पास जो कार्ड बच रहा है वही मेरा रहेगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, 52 मत लेना इसको, कुछ कार्ड हम लोगों ने पहले से ही निकाल के साइड में रखा, सो 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 12 कार्ड निकाल के रख दिया, सिर्फ बचा अभी मेरे पास 40। अब चेक करते हैं इस 40 में से क्या करना है। ए कार्ड इज नाउ ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए फेस कार्ड, ठीक है, यहाँ पर जो फाइंड करना फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा अपने पास, ये 40 रहेगा ये तो, और फेस कार्ड का पूछ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी कर लिया, फेस कार्ड जो टोटल रहेगा वो 12, ठीक है, जो कार्ड हम लोगों ने निकाला है उसमें कोई फेस कार्ड नहीं था, तो टोटल फेस कार्ड अभी भी मेरे पास पूरे हैं, ठीक है, पूरे मेरे पास जो 40 कार्ड्स हैं उसमें से 12 जो फेस कार्ड हैं वो अभी भी, ठीक है, 4 से कट करना है इसको, सो दिस 3 टाइम्स, इधर ये 10, सो आंसर आया अपने पास 3/10, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फेस कार्ड 3/10। सेकेंड में बोल रहा है एन इवन नंबर रेड कार्ड, सो इवन में मेरे पास जो नंबर्स आने वाले हैं वो रहेंगे 2, 4,
सिक्स एट टेन, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इसका अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे पास टू फोर सिक्स एट टेन यहाँ पर भी तो रहेंगे, लेकिन ये सिक्स थ्री के मल्टीपल्स में भी आता है और इसको हम लोगों ने पहले से ही निकाल के फेंक दिया था। सो इधर से भी एक सिक्स निकल गया था मेरा, इधर से भी सिक्स। सो कितने मेरे पास अब इवेंट नंबर्स बच रहे हैं? सेकेंड का जो प्रोबेबिलिटी है मेरा, डिनोमिनेटर में तो 40 रहने वाला है, बट यहाँ पर ये 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्ड और इसमें भी तो है 4, सो ये 8। ठीक, क्लियर हुआ क्या किया यहाँ पर? टोटल पॉसिबल तो ये रहेगा, 8 क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि रेड कार्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये जो नंबर मेरे पास 2 4 8 10 आ रहा है वो इधर भी है और 2 4 8 10 यहाँ पर भी है, रेड में, जो क्वेश्चन में रेड बोल रहा है। सो टोटल 8 आ गया, कैंसिल कर दो 4 से इसको, इधर 2 इधर 10, ठीक है, 2 से कट किया सो ये 1 और इधर 5, सो ये आंसर आया अपने पास 1/5। ठीक है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिल जाएगा, आप क्वेश्चन को पहले आराम से रीड कर लेना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स को फाइंड कर लेना और फिर बहुत अच्छे से रीड करना है कि फाइंड क्या करना है। आराम से आप इस चैप्टर को सॉल्व कर लोगे और सारे मार्क्स जो भी रहेंगे आपको आ जाएगा।